हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको इंस्टाग्राम वायरल नेक डिज़ाइन बताऊंगी। ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, इसे मैं आपको बहुत इजी वे में बताऊंगी। तो वीडियो को आप पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। इस नेक को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सिंपल टॉप पार्ट, जो चोली हमारी होती है कुर्ती को, वो कटिंग कर लेना है पेपर पर। मैंने कपड़े पर भी कटिंग कर ली है सेम ऐसे ही। उसके बाद हम नेक की इसकी ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर नेक की चौड़ाई ले लेंगे हम। नेक की चौड़ाई यहाँ पे मैंने 3.25 इंच लिया है। उसके बाद जो रेडी लेंथ हमें नेक की चाहिए वो मैंने यहाँ पे 3 इंचेस लिया। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक बॉक्स बना लेंगे इसका और यहाँ से इस तरह से तिरछा मिला देंगे। स्वीट हार्ट नेक हमें ड्रॉ कर लेना है इस पर। उसके बाद यहाँ से हमें 11.5 इंच पर ले लेना है। अगर आप यहाँ से हैवी साइज़ में बना रहे हैं तो इसकी लेंथ जो है 12 इंच पर ले लेना है। अगर कम साइज़ में बना रहे हैं तो आप 11 या 10 भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ से इसकी चौड़ाई ले लेंगे। तो यहाँ से 5.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। ऊपर से भी 5.5 इंच पर इस तरह से लगा देंगे निशान और ऐसे ही एक बॉक्स बना देंगे इसका। बॉक्स बनाने के बाद जो हमारा जो 3 इंचेस का नेक जो हमें रेडी चाहिए वहाँ से स्ट्रेट है। उसके बाद यहाँ से हम मटका शेप में ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमें मटके शेप में ड्रॉ कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया, देख सकते हैं आप। अब जो हमने ड्रॉ किया है उसी पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे निशान पर। इस तरह से कटिंग कर ली मैंने। अब जो नेक रेडी में चाहिए यहाँ से भी कटिंग कर लेना है। यहाँ से मैंने कटिंग कर ली है, देख सकते हैं आप। अब हम इसकी कटिंग कपड़े पर करेंगे। तो जो हमने टॉप पार्ट की कटिंग की थी उस पर हम कटिंग करेंगे। जो हमारा बीच का पार्ट है इसे हम साइड में रख देंगे। सबसे पहले हम ये वाला पार्ट कट करेंगे साइड का। तो इस तरह से जो हमने टॉप पार्ट कट किया था उसी पर ऐसे ही रखेंगे, एज इट इज़ कट कर लेंगे, हाफ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इसके साथ मैंने इसका मेन फैब्रिक भी कट कर लिया है, जॉर्जेट फैब्रिक, और लाइनिंग दोनों की कटिंग कर ली है। अब इस कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए इसके किनारे किनारे हमें एक सिलाई लगा लेनी है हाफ हाफ इंच पर। अब जितना अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रखना है उसी हिसाब से आप सिलाई लगा लीजिए इस पर। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है हाफ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। अब इस तरह से इसे पलट देंगे। तो जो हमारा मेन फैब्रिक था इस तरह से इसको अंदर के साइड टर्न करके इस तरह से सीधा कर लेंगे फैब्रिक को। फैब्रिक को सीधा करने के बाद हमें एक टॉप स्टिच लगा लेना है इस पर। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। जो अब बीच का पार्ट कट करेंगे तो बीच का पार्ट जो हमारा था इस तरह से लाइनिंग को इस तरह डबल फोल्ड पे बिछा लेंगे। उसके बाद जो हमने पेपर कट किया था उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे कपड़े के ऊपर और इससे पिनअप कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने चौक से निशान लगाना शुरू कर दिया है। तो इस पर सबसे पहले हमें इसके बराबर ही निशान लगा लेना एज इट इज़ ऐसे ही। यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया। अब अपने अकॉर्डिंग जितना मार्जिन रखना चाहें, जितना हम कंफर्टेबल हो उतने में हम मार्जिन रख के इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने 1-1 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से कटिंग कर ली है इसकी। ऊपर से भी 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेंगे। तो इसकी कटिंग हो चुकी है लाइनिंग की। अब यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, जॉर्जेट का फैब्रिक। इस तरह से इसे खोल देंगे कपड़े को। इसकी जितना ये वाला फैब्रिक चौड़ा हो उतना ही हम जॉर्जेट का फैब्रिक भी ले लेंगे उतने चौड़ाई पर। इस कपड़े की लेंथ यहाँ पे 34 इंच है। इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर। और ऊपर की तरफ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। इस तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो होगा हम उसे कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे हम कट्स लगा देंगे फैब्रिक पर। कट लगाने के बाद हम इस तरह से इसे पलट कर एक इस पर टॉप स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब इस पर हम प्लीट्स डालेंगे। तो इस तरह से हम छोटे छोटे प्लीट्स इसमें बनाते जाएंगे। आप चाहे तो गैदरिंग भी कर सकते हैं, गैदरिंग भी अच्छी लगती है इस पर। तो यहाँ पर मैं लेकिन प्लीट्स बना रही हूँ। तो इस तरह से प्लीट्स करते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कैसे प्लीट्स डालना। तो जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक था उसके सेंटर में एक हम
चौक का निशान लगा देंगे सेंटर में। उसके बाद यहाँ से हम प्लीट्स डालना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमें छोटे छोटे प्लीट्स बना लेनी है इस पर। तो इस तरह से हमें छोटे छोटे प्लीट्स बनाते जाना है। नॉर्मली जैसे प्लीट्स बनाते हैं वही बनाना है। और प्लीट का डायरेक्शन हमें ऊपर के साइड रखना है। हमें यहाँ पे बड़ी बड़ी प्लीट्स नहीं बनाना, छोटे छोटे प्लीट्स बनाने हैं इस तरह से। और कपड़े को हमें तिरछा नहीं करना, स्ट्रेट जैसे है ऐसे ही सेट करते हुए प्लीट्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सारी प्लीट्स बना ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो इसमें बच गया है उसको बाद में कटिंग कर देंगे। अब साइड से भी हम इस तरह से प्लीट्स बनाते जाएंगे। तिरछा नहीं बनाना, मैं सीधे ही प्लीट्स रखना है और इसी पे एक स्टिच लगाते जाना है किनारे किनारे। कपड़े को सेट रखना, खींचना नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं साइड से भी स्टिच कर लिया है इस साइड से। ऐसे ही हमें दूसरे साइड से भी प्लीट्स को स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से सेट करते हुए इधर से भी हमें प्लीट्स बना लेना है और स्टिच करते जाना है। तो यहाँ से भी मैंने प्लीट्स बना ली है, देख सकते हैं आप। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बचा हुआ है उसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है मैंने। अब इस पर हम जो साइड का हमारा पीस था वो लगाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पे इस पर लेस लगा देंगे। तो इसके सेंटर में मैं ये वाली लेस, मिरर वर्क में ये वाली लेस लगाऊंगी इस पर। तो इस तरह से लेस के सेंटर में कट लगा देंगे, इससे हमारा जो नेक का शेप है उससे बना रहेगा ऐसे ही। अब इसके साइड में जो लेस है, इसके साइड में मैं समोसा लेस लगाऊंगी। तो उसके नीचे इस तरह से इंसर्ट करके लगाएंगे। तो यहाँ से हम स्टिच करना शुरू करेंगे इस पर। तो इसके नीचे इस तरह से लेस को रखेंगे और स्टिच करते जाना है इसे। एक साइड से स्टिच कर लिया, ऐसे ही में दूसरी साइड भी लगा के स्टिच कर देना है। सो फ्रेंड्स, इस साइड से भी मैंने स्टिच कर लिया है। सो फ्रेंड्स, जो हमारा बीच का पार्ट था ये रेडी। अब इसे हम चोली में अटैच करेंगे, जो टॉप पार्ट है। तो इस तरह से इसे सेंटर में मिला के रखते हुए इसे पिनअप कर लेंगे यहाँ से। और साइडों से भी इस तरह से सेट करते हुए हमें खींचना नहीं है, ज़्यादा नहीं फैलाना। जितना हमने शेप था लिया था वैसे ही हमें रखना है इसे। और यहाँ से इसे पिनअप करते जाना है। पिनअप करने के बाद इसे यहाँ पे एक किनारे किनारे एक स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने स्टिच लगा ली है। अब इसके किनारे किनारे हम लेस लगाएंगे, वही चौड़े वाली जो हमने बीच में लगाई थी। तो इसके नीचे समोसा लेस रखते हुए इस तरह से स्टिच कर लेंगे इसे। इस तरह से स्टिच करते जाना है। आप चाहे तो इसके लिए पतली लेस भी ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे थोड़ी ब्रॉड लेस ली है। अब दूसरे साइड से भी मैं ऐसे स्टिच करते जाना है। अगर आपकी लेस में इस तरह से झोल आए तो आप इस पर किनारे किनारे छोटे छोटे कट्स भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ उसमें, और इस तरह से स्टिच करते जाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया। अब सिंपली हमें जैसे हमारी टॉप पार्ट जॉइंट होती है बैक पार्ट के साथ, वैसे ही मैं जॉइंट करके स्लीव्स अटैच कर लेनी है। और इसका जो स्कर्ट वाला पार्ट है वो भी अटैच कर लेना है इसमें। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स अटैच कर ली है, देख सकते हैं आप, बहुत प्यारा इसका डिज़ाइन बना है। अब यहाँ पे सिंपली हमें इसका जो स्कर्ट वाला पार्ट है वो अटैच कर लेना है इसमें। तो सिंपली इसे अटैच कर लेना है। इस तरह से हमारा प्लेन फैब्रिक में डिज़ाइनर नेक बनके रेडी है। देख सकते हैं कितना प्यारा डिज़ाइन बना है। इसे हम बहुत इजीली बना सकते हैं किसी भी फैब्रिक में। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।